Hello everyone, welcome to our channel Real Search Education. In this video we will see the poem number 4, Strawberries. In last video we have read this poem, and in this video we will explain this video. So let's get started. Strawberries that in gardens grow are plump and juicy fine. So the strawberries which in gardens, they grow in gardens, यानी वो garden में उगती हैं, वो plump and juicy fine, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटी मोटी बड़ी बड़ी होती हैं और juicy भी होती हैं, juicy भी एक उसके साथ साथ juicy भी होती हैं. But sweeter far as wise man know, यानी कि वो मीठी होती हैं. अगर समझदार आदमी हो तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो बहुत मीठी भी हैं. Spring from woodland the vine, फ्रॉम द वुडलैंड वाइन, यानी कि उसको लिया गया है वुडलैंड वाइन से, यानी कि स्प्रिंग से. नो नीड फॉर बोल और सिल्वर स्पून, शुगर और स्पाइस और क्रीम, यानी कि उसके लिए बोल यानी कि कटोरी की कोई ज़रूरत नहीं है. सिल्वर स्पून यानी कि सिल्वर कलर के चम्मच की भी ज़रूरत नहीं है. शुगर और स्पाइस और क्रीम यानी कि उसमें हमें शक्कर और कोई भी मसाले या तो क्रीम किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको खाने के लिए. हैज़ द वाइल्ड बेरी प्लक्ड इन जून बिसाइड द ट्रिकलिंग स्ट्रीम, यानी कि वो जून में की जाती है और वो ट्रिकलिंग स्ट्रीम यानी कि वो स्ट्रीम के पीछे से ली जाती है, उसके बिसाइड से, वहाँ पे जून में वो उगती है तो वहाँ से ये ली जाती है. So that much in this video. In next video we will see things to do for this particular poem.